अधिकार नहीं था वोट का? पहले बार अधिकार नहीं था हमें वोट का, पहली बार अधिकार मिला है हमें 17 साल के बाद। लोकसभा के वोट डालते थे हम, असेंबली का कोई हमें हक नहीं था। हमें बहुत ही खुशी है जो सरकार 14 में आई, 19 में दफा तोड़ी और हमें हक मिला, और अभी हमारे बच्चे हैं वो इधर सरकारी नौकरियां करेंगे। अच्छा, कितने लोग होंगे ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ पर जिन्हें पहली बार दफा जो है वोट का अधिकार मिला है? मेरा ख्याल है दोनों पंचायतों में कोई 1200 वोट है हमारा वेस्ट पाकिस्तानी का, 600-700 इधर है हमारा, तो 600 कीड़िया पंचायत में। वही वजह है कि इस तरह से आप ढोल बजाकर मिठाइयां बांट रहे हैं? बिल्कुल यही वजह है कि अभी हमें आज अधिकार मिल गया है वोट डालने का, तो इसलिए हम ढोल मार रहे हैं कि हमें पहली बार मौका मिला जब से इंडिया आजाद हुआ है। तो जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इनको कहा जाता है, अब उनको क्या कहा? अब हम बेस्ट हिंदुस्तानी कहेंगे, बेस्ट पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, बेस्ट हिंदुस्तानी कहेंगे। भारत माता की, भारत माता। कई तरह की परेशानियां और भी आती थी, एक अधिकार तो मिल गया कि आप वोट का राइट जो आपको मिला है, आप विधानसभा में अपना उम्मीदवार यहां पर चुन सकते हैं, और भी डॉक्यूमेंटेशन में कई तरह की दिक्कतें हैं जो है बच्चों को पेश आती थी? नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा मुश्किलें आती थी, इवन के जहाँ के करेक्टर सर्टिफिकेट बना वो भी इनका हमारा नहीं बनता था, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता, डोमिसाइल स्टेट होती बात ही छोड़ो, अभी जो कोई नकल लेनी हो तो वो भी नहीं मिलती। अभी सारा हमारा जो मसला है वो हल हो गया, तो अभी हम बहुत ही खुशी है। हम कितना खुशी भरा दिन है आज? आज बहुत खुशी भरा दिन है, जैसे कि पहले वोट डालते थे लोग, और ये जो बेस्ट पाकिस्तानी है ये बाहरी लाइन में खड़े होकर देखते हैं कि कभी हमें भी ये हक मिलेगा वोट डालने का, और आज ये मौका मोदी साहब ने दिया है और बहुत ही खुशी का माहौल है, इसलिए हम ढोल के साथ हम खुशी मना रहे हैं, आज पहली बार वोट डाल रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाल बहादुर। लाल बहादुर, कितनी देर होगी, कितना इंतजार लंबा आपको करना पड़ा विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए? लगभग 70 साल, आपको पता ही है, तो 70 साल से इधर रह रहे थे, मगर कोई हमको कोई हक नहीं था इधर, अब जब हक मिला है, मोदी साहब ने हक दिया है 70 साल बाद वोट डालने का, और बहुत खुशी है मन को कि पहले सोचते थे कि हमें भी कभी ये वोट डालने का हक मिलेगा, जब वोट डालते थे तो हम बाहरी लाइन में खड़े होकर देखते थे कि हमें भी हक मिलेगा। कितना दुख होता था तब जब आप लाइनों में खड़े होकर देखते थे बाकी लोग वोट डाल रहे थे और आप यहाँ के बाशिंदे होने के बावजूद भी आप वोट नहीं डाल सकते थे? बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि जैसे हमारे जो ब्याह शादी होती है तो ब्याह शादी में बाकी परिवार वालों को बुलाया होता, तो एक को नहीं बुलाएंगे तो उसके दिल में क्या गुजरती है, तो उसको भी ये पता होता है, इसलिए हमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है आज, और आज आपने पहली बार विधानसभा चुनावों में वोट किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो बहुत खुशी है, हम कहना चाहेंगे कि ऐसी सरकार जो है आगे बढ़ती जाएगी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जिंदाबाद, और मोदी को बहुत ही ज़्यादा सरकार में जितने भी हमारे MLA हैं बहुत ज़्यादा से लीड से जीते, और सभी को जो हक मिला आगे भी सभी को हक मिले, नौकरियां मिले, सब कुछ मिले, यही हमारा साथ है। 70 साल बाद मौका मिला है चुनाव में वोट डालने का, कहते हैं कि तब लाइन में खड़े लोगों को देखकर दुख होता था कि हमें अधिकार नहीं है वोट डालने का, और आज अधिकार मिला है तो डोर की थाप पर मिठाइयां बांटकर वोट डालने के लिए लोग निकले हैं घरों से, बनता भी है, 70 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा इन लोगों को। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास है। रामदास जी, पहली दफा वोट किया? मैं तो खैर पहली बार दफा नहीं, पहले भी दो बार, क्योंकि मैं 70 में इंटर हो गया हूँ, मैंने पहले भी दो बार क्या देखते जितना इस बार मजा आया ना वो वोट डालने का, क्योंकि जो हमारे ही भाई हमारे ही ना लड़के ने जो कहा है कि जैसे पड़ोस में शादी होती थी लड़के की बारात चढ़ती थी, मगर जो दूसरे की जिसको नहीं बुलाया था वो ऐसा टेढ़ा मुंह करके खड़ा होता था, मतलब आज
मतलब आज हम अपनी छाती चौड़ी करके जो बेस्ट पाकिस्तानी का जो नाम है, जो हमारे सरदार जी ने बोला है कि आप बेस्ट हिंदुस्तानी है, हम बेस्ट हिंदुस्तानी बनना कोई मामूली बात नहीं थी उनके लिए, जो बेस्ट पाकिस्तानी कहलाते थे। और आज हमें इस राज में, मतलब मोदी जी के राज में, ये सारे हक हकूक हमें मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। किसने आपको इन अधिकारों से वंचित रखा था? क्या देखते हैं कि 70 साल जो सरकारें पहले थी वो अपने हिसाब से कानून बनाए रखते थे और बनाते रहते थे, जिससे कि जो कोई किसी को बेस्ट पाकिस्तानी का नाम, किसी को पंजाब से इधर कोई आ गया को उसको देखे कि जो पंजाब का रहने वाला है, जहां उसको असेंबली में और पंचायत में वोट डालने का हक नहीं था और ना ही पंचायत में वो मेंबरशिप के मेंबर के लिए खड़ा हो सकता था और उधर वोट डालने के लिए भी नहीं जा सकता था। ये सब अब दूरियां, ये खटासे जा जो दिल में हमारे कुछ शर्मिंदगी महसूस होती वो सब दूर हो गई। अब हम सब खुशी से वोट डालने आए, खुशी से वोट डालने आए हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, सर आप आए आगे। जी सर। आप भी पहली दफा वोट डालेंगे? पहली दफा डाले वोट जी। किस तरह से इजहार किया अपनी खुशी का? खुशी सब डो लगे, हम आए हैं इधर वोट डालने के लिए, बहुत खुशी की बात है, वो खुशी मनाना चाहिए। हम 70 साल के बाद हमें मतलब की आजादी मिली है, बहुत खुशी की बात है ये। तो ये लोग 70 वर्षों बाद पहली बार विधानसभा चुनावों में वोट कर रहे हैं। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इन लोगों को कहा जाता था, अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इन लोगों को वोट करने का, लेकिन पहली दफा ये लोग वोट कर रहे हैं और इस तरह से डोर लेकर मिठाइयां बांटकर ये लोग अपना वोट का अधिकार, अपना मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं। आज उन्हें मौका मिला है जम्मू कश्मीर में अपना नुमाइंदा चुनने का, क्योंकि इस अधिकार से इन लोगों को 70 वर्ष से वंचित रखा गया था। कीड़िया गंडियाल से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।